我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一集第一集到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV 一切铺垫都是为了甜蜜蜜，有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准地捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里，你的柔软细腻被我认真收集，宠溺地纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。नीचे उतारो, नीचे उतारो। छोड़ो, इसे मिलो। ये मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है वूफे। फेफे, ये मेरा बॉयफ्रेंड है काओयरेन। हाय वूफे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। फेफे के पापा और मेरे पापा भी बहुत गहरे दोस्त हैं। इसीलिए ये मेरी ब्राइड्समेड बनने के लिए मान गई है। ओ अच्छा। बढ़िया है, तुमने हम पर एहसान किया है। थैंक यू सो मच। फैंग फैंग को उसके पसंद की ब्राइड्समेट मिली नहीं रही थी, पर अब तुम मिल गई हो तो ये मेरा दिमाग खाना बंद कर देगी। काओ यरेन, मैं दिमाग खाती हूँ? क्या हुआ तुम्हें? मैं दिमाग खाती हूँ क्या तुम्हारी? चलते हैं। चलो। तुम काओ यरेन से मिलने गई थी? हाँ। कब गई थी? सुबह सुबह जल्दी उठकर गई थी। तुम्हें नहीं लगता जाने से पहले एक बार मुझे पूछ लेना चाहिए था? पूछती तो क्या तुम हाँ कह देते? वैसे भी वो जानता है कि मैं और फैंग फैंग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं देखना चाहती थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आखिर कैसा है। इंसान की नीयत कैसी है वो उससे बिना मिले कैसे पता चलेगा, और मुझे फैंग फैंग के लिए कोई चांस नहीं लेना था। तुम जानना चाहते हो ना मुझे क्या पता चला है? पूछो ना। कुछ तो गड़बड़ है उसमें। ये देखो। पता नहीं ये मेरा गुड लक है या बैड लक है, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन ये होना ही था। हमें साथ में काम करके मजा आएगा। बहुत दिन बाद मिले भाई, कैसा लग रहा है? मजा आ गया। सर गिर रहे आपके ग्लास। मैं यहाँ पर एक डील फिक्स करने आया हूँ। बिजनेसमैन अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसी पार्टीज करते रहते हैं। तो इसमें अलग क्या है? फाइनेंस। उसे बस लोगों तक पहुंचना था। पहले तो वहां पर खाना पीना गाना चलता रहता था, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं था जो अजीब लगे उन्हें पहली बार देखकर। फिर क्या हुआ? फिर तो वही हुआ, आदमी जब ज्यादा पी लेते हैं ना तब थोड़े वो बहक जाते हैं। काओ यरेन भी बहक गया। मुझे कॉल आया है। पहुंच गई तुम? हाँ पहुंच गई हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हाँ हो तुम? मैं तो काउंटर के पास हूँ। तुम कहाँ हो? कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहे हो। Let's go.
इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, पता है उस रात ये लड़की को अपने घर पर लेकर आया था और फिर वो दोनों बाहर ही नहीं निकले थे। इसका नाम डिंग फैंग फैंग है और ये काओ येरेन की फियांसी है। हाँ? सच में? सच में। हाँ। तभी मैं सोचूं कि ये लोग एक दूसरे के साथ इतना चिपक क्यों रहे थे। अब इस खाने का बिल तुम्हें पे करना होगा। अब इसमें मेरी थोड़ी ना गलती थी, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो उसकी फियांस है। मुझे तो उस पर नजर रखनी थी और मुझे लगा कि ये मामूली काम है, इसलिए मैंने किया, वरना मैं क्यों करता? तुम्हें ये मामूली काम लगता है क्या? मैंने ये तो नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि उस लड़की की गलती थी। मेरा मतलब था कि काओ येरेन अपनी फियांसी को ऐसी जगह ले जा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो ही तो समझने की। फ्रैंक है और चार्मिंग है। फैंग फैंग ने कहा है कि वो उससे उसके बिजनेस फंक्शंस के बारे में सब कुछ शेयर करता है और ज्यादातर वेन्यूज तो फैंग फैंग ही डिसाइड करती है। फैंग फैंग के डैड ने उसके टॉलरेंस को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की है। कभी कभी जब वो ऐसी पार्टीज में फंस जाता है तो फैंग फैंग ही उसे छुड़ा कर लाती है। उसके सारे बिजनेस पार्टनर्स को भी ये पता है। ये सब बातें तुमने खुद अपनी आंखों से देखी है या फैंग फैंग ने तुम्हें बताई है? मैं सिर्फ सुनना ही नहीं जानती, देखना भी जानती हूँ। अगर हम किसी कपल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो दोनों साथ में कैसे रहते हैं। तो बताओ मुझे कैसे रहते हैं वो दोनों? वो दोनों बहुत ही ऑर्गेनिकली जेल करते हैं और वो फिर फैंग फैंग भी बहुत खुश है। उन्हें देख के तो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए हैं। तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर फैंग फैंग पहले बहुत ही एरोगेंट थी। उसने ओवरसीज में प्रेस्टिजियस आर्ट कॉलेज से पढ़ाई की थी और उसे इस बात का बहुत ही घमंड था, इसीलिए तो उसे ब्राइड्स मेट मिल नहीं रही थी, पर इसीलिए मैंने उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कहा। इसीलिए उसने मुझे ये सब बताया, पर अब उसे देखकर लगता है कि वो पहले से काफी बदल गई है और समझदार भी हो गई है। मुझे तो तुम सबसे ज्यादा समझदार लगती हो। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि फैंग फैंग में ये जो बदलाव आया है उसका क्रेडिट काओ येरेन को जाना चाहिए, है ना? तो लगता है मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में प्यार से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ नहीं होता, इसीलिए। इसलिए क्या? वो काओ येरेन और डिंग फैंग फैंग का रिश्ता एकदम सच्चा है, बिल्कुल हमारी तरह। बस करो। बस इतना ही है? हाँ अभी तो इतना ही है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें काओ येरेन में कोई गड़बड़ लगती है। मैंने कहा था, पर मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ होनी चाहिए। लेकिन हम थोड़ा रुक सकते हैं, और एक बात है जिसका खुलासा होना बाकी है, देखते हैं उसके बाद क्या पता चलता है। हाँ, लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एक काम करते हैं, अगर हमें कुछ पता चला तो हम किसी और तरीके से भी जांच तो कर ही सकते हैं ना। जैसे कि देखो, अगर हमें आदमी की नीयत जाननी हो, ठीक है, तो हम किसी ना किसी तरीके से जान सकते हैं, एक औरत की मदद से। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी गंदी जुबान अभी बंद कर दो। तुम्हें लगता है कि काओ येरेन को कोई लड़की नहीं मिलती? वो Hey, कौन हो तुम? काओ येरेन ने डिवोर्स के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपनी बीवी के नाम कर दी थी, पर सच तो ये है कि वो प्रॉपर्टीज उसकी थी ही नहीं। उसकी एक्स वाइफ जेसिका चेन एक चाइनीज कनेडियन है, उसके पेरेंट्स ताइवान में हैं, उसके पिताजी कनाडा के एक फेमस चाइनीज आर्किटेक्ट है, और उसकी माँ दाई का काम करती है और वो खुद म्यूजिक की पढ़ाई करती है। ये लोग टिपिकल मिडिल क्लास कनेडियंस है। हालांकि उसके पेरेंट्स के सभी भाई बहन बहुत ही वेल्दी और बिजनेसमैन है, उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। इसने 18 साल की उम्र में ही अपना परिवार बना लिया था। जब इसकी काओ येरेन से शादी हुई थी तब काओ येरेन महज एक जवान लड़का था जो स्कॉलरशिप्स के दम पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था।
तुम्हें इतना सब कहाँ से पता चला? शेन यूनियन की माँ शायद कोई जानी पहचानी दाई हो सकती है। वो जिस अस्पताल में काम करती थी वो भी उसी की माँ के परिवार का है। उनकी शादी होने से पहले काओ इरेन ने प्री नप्शल अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके हिसाब से उसका अपार्टमेंट, विला और यॉट तीनों ही उसके एक्स वाइफ के नाम पर होंगे। शादी के बाद काओ इरेन ने 3 सालों तक कोई काम नहीं किया था। उसे स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट भी उसकी बीवी ने दिया था और 3 सालों तक उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ था। तो जब उसका तलाक हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी बीवी के धोखे की वजह से उसने डिवोर्स लिया। हाँ, इतना ही नहीं, उसके साथ बिजनेस शुरू करने वाला उसका दोस्त ही था। पहले बताओ कि तुम हो कौन? उसका परिवार काओ इरेन से भी अमीर है। उसका स्टील का बिजनेस है। इन लोगों का अमीर लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा है। और फिर मैंने काओ इरेन को भी देखा है। वो लोग बहुत ही आम लोग हैं। उसके पापा एक लोकल चाइनीज एरिया में अकाउंटेंट है और माँ हाउसवाइफ है। उसका दिमाग बहुत तेज है। वो पढ़ाई में हमेशा टॉप करता था और पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाता था। वो एम्बिशियस होने के साथ साथ एक मेहनती परिवार का लड़का है। ग्रेजुएशन के बाद उसने वॉल स्ट्रीट में भी काम किया था, लेकिन एक ही साल में उसने जॉब छोड़कर शादी कर ली। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि उसने जॉब छोड़ी है या नहीं? ये देखो, उस कैनेडियन कंपनी का कंफर्मेशन लेटर। गुडविल तो अच्छी है। काओ इरेन अपने सोशल स्टेटस को बदलना भी चाहता है, पर मेरा एक सवाल है। उसकी एक्स वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों ही बहुत ही अमीर और इज्जतदार परिवार की हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? लेकिन सिर्फ एक ही बार में मिलकर तुम उसके बारे में इतना श्योर कैसे हो सकती हो? एक्चुअली मैंने उसे सीधे सीधे ही पूछ लिया था। अच्छा, क्या पूछा था तुमने? ये लो। थैंक यू। माय प्लेजर। फैंग फैंग कहाँ है? सनस्क्रीन लेने गई है, बस आती ही होगी। फैंग फैंग बहुत बदल गई है और पहले से खुश भी है। बिल्कुल सही कहा, मैं उसके साथ जो हूँ खुश कैसे नहीं होगी। तुम प्रीनप अग्रीमेंट साइन करोगे? वाओ, तुम तो काफी डायरेक्ट हो। फैंग फैंग ने कहा है क्या? उस अग्रीमेंट की वजह से वो बहुत परेशान रहने लगी है। मैं श्योर नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे करना चाहिए? फैंग फैंग के दोस्त होने के नाते मुझे लगता है तुम्हें करना चाहिए, जिससे आगे चलकर उसके और उसके डैड के बीच में कोई तनाव ना रहे। क्योंकि तुम लोग अब शादी करने वाले हो और मैं नहीं चाहती कि बाद में किसी को पछतावा हो। चाइनीज होने के नाते मैं रिश्तों को बहुत मानता हूँ। मेरी एक शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है, तो मैं ये सब चीजें समझता हूँ। फैंग फैंग मेरी फियांसे है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके पापा मेरा परिवार नहीं है। उनकी खुशी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो अगर फैंग फैंग मुझे कहती है कि वो अग्रीमेंट साइन कर दो, तो उसकी खुशी के लिए मैं कर भी दूंगा, पर किसी और के कहने पर नहीं करूंगा। सॉरी, आई कांट डू इट। तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, जो चाहिए वो मांग लो। थैंक यू मिस्किन। बेटा, थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? अरे किंची, तुमने अभी क्या कहा मुझसे? हाँ हाँ, याद आया। काओ इरेन की एक्स वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों अमीर परिवार से बिलोंग करती है, ऐसा मुझे लगता है। शायद ये हो भी सकता है या एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अगर इसका जवाब जानना है तो ये लो, तुम खुद देख लो। तुमने काओ के बारे में अभी क्या कहा? यही कि वो काम चोर है।
ये झूठ है। उसकी एक्स वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों अमीर परिवार से बिलोंग करती है, उसका ये मतलब तो नहीं बनता है। तुम उसके बारे में इतनी श्योर कैसे हो सकती है? कोई सबूत है क्या? ये है ना, ये लो देखो। पता है इसकी कीमत क्या है? मुझे कैसे पता होगा, देखना पड़ेगा। इन सभी घड़ियों पर ना एक एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसी के लिंक से उन्हें खरीदा जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहां से मिला तुम्हें ये सीरियल नंबर? कैसे हो? मैं बेटा। ओ सच में? अरे क्या कर रहे हो यार? सॉरी मैम, सॉरी सर, ये गलती से हो गया। आइए मैं आपको बाथरूम तक ले चलता हूँ। तुम इनके साथ बैठो, मैं बस इसे साफ करके आया। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं जरूरत। आइए सर, बाथरूम इस तरफ है। माफ करना सर, ये लीजिए टॉल। मैं ले लूंगा। सर आपका कोट निकाल दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। ये लीजिए नया टॉल। थैंक यू। ओके ये उसने खरीदी है। उस लड़की का परिवार होटल बिजनेस चलाता है। वो हिल्टन जितने बड़े तो नहीं है, पर वो लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं। जब कोई लड़की किसी लड़के को लाखों की घड़ी खरीद के दे सकती है, तो उन दोनों के बीच में जरूर कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने ऐसे 3 केसेस देखे जिसमें लड़कियां अमीर घराने से होती है। इसके और भी कई पहलू हो सकते हैं। तो तुम्हें लगता है कि काओ जानबूझकर अमीर घराने की लड़कियों को फंसाता है? अमीर लड़की को डेट करना कोई गुनाह तो नहीं है? बिजनेस के सिलसिले में उसे अमीर लोगों से डील करनी पड़ती होगी, भले ही वो लोगों से जान पहचान बनाकर आगे बढ़ना चाहता हो, पर वो लोग ऐसे ही थोड़ी अपनी बेटियों की शादी उससे करवाएंगे। गांव में उन लोगों ने कुछ तो टैलेंट देखा होगा, और उनके प्यार को भी तो तुम झुटला नहीं सकते ना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा उसे कामचोर कहने का कोई मतलब बनता है। तुम्हारी सोच बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से सही है। तो क्या इसका मतलब है कि काओ इरेन भी तुम्हारे ही जैसा है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अगर कोई सच में आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें दिल ही नहीं है। और काओ इरेन की बात करें तो उसकी अब तक शादी नहीं हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और वो अपनी फियांसे से भी बहुत प्यार करता है, तो तुम उसके बारे में ऐसा कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकती हो। हमें सिर्फ उसके लिए अग्रीमेंट तैयार करना है। साइन करना ना करना ये उसका फैसला है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो आज आ रहा है। आज ही? हाँ, तो क्या हो गया? यही तो हमारा काम है। क्या हुआ? मैंने डबल चेक कर लिया है। क्या बोल रहे हो? मेरी वाइफ की कजिन थी, पूजियांग से ग्रेजुएट हुई है, और वो उसी बैच का है। ताओ जुन हुई नाम है उसका। और मुझे उसके बारे में एक जबरदस्त न्यूज पता चली है। क्या है पता है? तुमने नहीं सुना? अरे तुम्हें नहीं सुनना है तो मैं चलता हूं, ठीक है? छोड़ो यार, मुझे पता था कि तुम जानना चाहते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये ताओ जुन हुई जो है ना, वो एक्चुअली पता है क्या, मैंने सोचा था उससे ज्यादा वो काबिल है। और वो साइंस में टॉप स्कॉलर था, और वो पॉली साइंस में एडमिशन लिया था। 4 साल का कर्जा उसे 3 सालों में उतार दिया। नेशनल जुडिशियल एग्जाम में भी ट्राई किया था और टॉप किया था। पास होते होते उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, और उसकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। और तुम्हें पता है उस लड़की ने उसे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया? अब तुम जाओ यहाँ। अरे लेकिन मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है, और मैं ये बोले बिना यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। उस लड़की ने उस लड़के को रोल मॉडल बना लिया था, और बहुत मेहनत भी की, और उसने तय कर लिया कि उसके रिकॉर्ड्स तोड़ कर रहेगी। ताओ जुन हुई ने 4 बार डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया था, और उन कंपटीशन में बेस्ट डिबेटर का अवार्ड जुन हुई को नहीं मिला, उस लड़की को मिला था। आखिर उसने ताओ जुन हुई का दिल जीत ही लिया। यू नो वॉट, ये होशियार लड़के जो होते हैं ना, उनके प्यार का चक्कर तो मेरी सोच के परे है। हाँ, 100 बात की एक बात, ताओ जुन हुई जो है ये दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग है। होशियार, चालाक, अमीर और हैंडसम तो वो है ही,
तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। क्या कहा, ये बहुत अच्छी बात है, उसमें पोटेंशियल तो है ही। पोटेंशियल है, और तुम दोनों ने अब तक कुछ भी तो नहीं किया। हे, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं उन दोनों के बीच में कुछ। अपनी बकवास बंद करो, मुझे किन्शी पे पूरा भरोसा है। अनएक्सपेक्टेडली मुझे आज 11th फ्लोर का नजारा देखने मिल रहा है। तो आखिर तुमने यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ ही लिया? हाँ, आज नहीं तो कल ढूंढना ही था। मैं उन छोटी सोच वाले लोगों जैसी थोड़ी ही हूँ जिन्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है। मिस ली, चूंकि आप काओ इरन की लॉयर हैं, तो क्या मिस्टर काओ आज आने वाले हैं या नहीं? ये तो मैं भूल ही गई थी, ये लो खुद ही देख लो। मिस्टर काओ और मिस डिंग ने मुझे उनके प्री नप्शल अग्रीमेंट की पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। मिस्टर काओ उनके काम में और शादी की कुछ तैयारियों में बहुत बिजी है तो वो नहीं आ पाएंगे, और फिर ये कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। मिस डिंग के फादर ने ही प्री नप्शल अग्रीमेंट की मांग की है। मैंने मिस डिंग से भी पूछ लिया है, वो भी मिस्टर काओ से सहमत है, वो उसे जैसा कहेंगे वो करेगी। ये देखकर तो लगता है कि दोनों ही एक से बढ़कर एक। मिस किन, हमारे बीच तुम अकेली हो जो शादीशुदा हो। तुम दोनों के बीच का प्यार और एक दूसरे पर भरोसा देखकर मुझे लगता है कि तुम इस मामले को अच्छे से समझ पाओगे। इससे मुझे एक बात याद आई कि हमारे बीच में अकेली मैं ही मैरिड वुमन हूँ जिसने प्रीनुपचुअल अग्रीमेंट भी साइन किया है, और मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि उस अग्रीमेंट की वजह से उनके रिश्ते में कोई दरार नहीं आई, बल्कि इससे ये पता चलता है कि वो लोग कितने मैच्योर हैं। जब एक शादीशुदा कपल उनके बीच होने वाली सारी तकरारों को मद्देनजर रखते हुए शादी से पहले एक बाउंड्री बना लेते हैं तो वो लोग आगे चलकर किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से करते हैं। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों से डरते हैं और प्रीनुपचुअल अग्रीमेंट हमारे उन्हीं डरों को खत्म कर देता है। बहुत अच्छी बात कही, चलो तो अब हम काम पर लग जाते हैं। तुम लोग इसे ठीक से पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो उसे एक दो दिनों में सॉर्ट कर लेंगे। पर ये एग्रीमेंट बहुत पर्सनल है, तो क्या मिस्टर काओ का फैसला तुम लोग ही? बिल्कुल, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, और फिर तुमने तो पहले से ही मिस्टर काओ के बैकग्राउंड का सब पता लगा लिया है ना? क्या मतलब है इसका? सुनो मिस्किन, मुझे चेंगेन हुई छोड़े अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है, और मुझे पता है कि यहाँ काम कैसे होता है, वो भी तुम्हारे साथ। मिस्टर काओ अब्रॉड में पले बड़े हैं और उनके अफेयर्स, सोशल सर्कल या शादी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों से छुपा हुआ है। मिस डिंग को उनके बारे में सब कुछ पता है, और हाँ, मिस डिंग और उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था उसका जिसने उन्हें घड़ी ला कर दी? डोरिस, उसका चाइनीज नाम है ताओ लिसी। उसका इंग्लिश नाम थोड़ा मुश्किल है, पर उसकी एक चीज शायद तुम्हें नहीं पता होगी। मिस डिंग को मिस्टर काओ के बारे में ताओ लिसी के जरिए पता चला, क्योंकि ताओ लिसी के फादर मिस्टर काओ के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में से एक थे। उस वक्त मिस्टर काओ की मदद से उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे, इसलिए वो घड़ी उन्हें तोहफे के तौर पर मिली थी। इसलिए कभी मत सोचना कि लोग अमीर लोगों से सिर्फ पैसे के लिए ही जुड़ते हैं। हम लोगों को सिर्फ बाहर से नहीं परखना चाहिए, इस बात को याद रखना। मुझे लगता है हमें एग्रीमेंट फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। हाँ याद आया, मिस्टर काओ ने तुम दोनों के लिए एक छोटा सा मैसेज भेजा है। एक मिनट, अरे मेरा मोबाइल कहाँ है? मिल गया। दरअसल फैंग फैंग और मेरे रिश्ते को सही या गलत ठहराने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत है। मेरी एक बार शादी टूट चुकी है। फैंग फैंग से मिलने से पहले मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। कोई इंसान इसलिए अकेला रह जाता है क्योंकि उसे ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसके लिए वो सब कुछ त्याग सके।
मेरे लिए वो इंसान फैंग फैंग है। इतना शातिर है कि उसने लीदाई को भी अपनी बातों में फंसा लिया है। मैं ये कभी मान ही नहीं सकती कि वो सच में इतना लगी है। तुम गई नहीं? वो मैं तुम्हें परेशान किए बगैर इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो? फिर नींद नहीं आएगी मुझे। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं एक दिन किसी लाइब्रेरी की डायरेक्टर बनकर ही रहूंगी। पर ये क्या, तुमने तो खुद ही मेरा सपना पूरा कर दिया। तुम्हें ये जगह चाहिए तो ले सकती हो। चलो ना, आज मैं खाना खिलाती हूँ। नहीं, मैं डाइट पे हूँ। तो फिर सॉल्टेड एग पेस्ट्री खा क्यों रही हो? तुम्हें काउयरिंग के बारे में कुछ जाना नहीं है क्या? क्या पढ़ रहे? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, मैं कोई बच्चा हूं क्या? देखो यंगुआ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन फेंग्यू फाइनेंस पर कभी नजर मत रखना, समझे ना तुम? और ऐसा क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? मिस्टर फेंग्यू फाइनेंस के क्रेडिट डिपार्टमेंट की गेस्ट है और उन्हें आज लंच पर इन्वाइट किया गया है। मुझे पता है कि तुम्हारे मिस्टर क्यूंग से बनती नहीं है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के बाद तुम फेंग्यू फाइनेंस को भूल जाओगे, समझ गए ना तुम? समझे ना? हाँ, मिस्टर क्यू पर एक कंपनी का कर्जा है और हर बार तो वो खुद क्रेडिट डिपार्टमेंट को दावत देते हैं, तो फिर इस बार उसका उल्टा क्यों हो रहा है? तो क्या हुआ, तुम्हें तो पता है ना, मिस्टर क्यू को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 40 साल हो गए। उन्होंने आज तक भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को लेकर घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने सब कुछ सिखाया है कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन बैंक को इससे क्या लेना देना है? सोंगजियांग में एक नई एनर्जी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, ये तुम्हें पता है? तुम्हें न्यू एनर्जी स्मार्ट सिटी के बारे में पता है? मैं तुम्हें शेयर्स ऑफर कर सकता हूँ। और पता है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और इन सबका जो मेन प्रोजेक्ट होगा उसका नाम है CCHO, कंबाइंड कूलिंग हीटिंग एंड पावर। यू समझ लो कि ये एक नया पावर प्लांट है जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा पर हीटिंग, कूलिंग और गर्म पानी भी देगा। तो सोचो ना, हीटिंग, कूलिंग, हॉट वाटर, इन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल फील्ड में अप्लाई हो रहा है और जल्द ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल यूज के लिए भी अप्लाई होने वाला है और तब जाके असली क्रांति होगी। ये तो सही है। सिर्फ सही लग रहा है तुम्हें? इस प्रोजेक्ट का एक्सपांड रेवेन्यू कितना है तुम्हें पता है? और फिर इनके पास सफिशिएंट फंड्स भी हैं, इसलिए क्रेडिट डिपार्टमेंट की उन पर नजर है। और मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज है उसकी मिस्टर क्यू से बहुत अच्छी बनती है। और जिया, उसे भी इस प्रोजेक्ट से फायदा चाहिए, वरना कभी सुना है क्या क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले अपने क्लाइंट को ऐसे दावत देंगे? सही कहा ना? अरे कहाँ जा रहे हो? लंच करने के लिए। अरे रुको ना, अरे मैं भी तो आ रहा हूँ। तुम्हें खाना इतना पसंद है तो फिर वजन कम करने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करती हो? मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है और स्टैटिस्टिकली बताओ तो शादीशुदा लोग उसी उम्र के सिंगल लोगों की तुलना में दुगने मोटे होते हैं, तो अगर मैं तुम्हारी जितना खाऊंगी तब भी हमारा वजन एक जैसा ही रहेगा। तुम कुछ और बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? काउयरिंग के बारे में। हाँ वो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तब भी तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। आखिर हम दोनों कॉन्ट्ररी पोजिशन में जो है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी अनप्रोफेशनल लॉयर जैसे लगूं।
यानी तुम सिर्फ हवा में बात कर रही थी। मुझे लगा तुम्हारे पास सच में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। मेरे पास अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर तुम्हारे लिए एक सलाह है। हाँ, हार मान लो। मैं बता रही हूँ, काओयेरेन वो अग्रीमेंट साइन बिल्कुल नहीं करने वाला है। ये काओयेरेन ने कहा है कहने को? वो मुझे भला ऐसा क्यों कहेगा? तुम्हें काओयेरेन के बारे में इतना तो पता ही होगा कि वो वॉल स्ट्रीट का वो भेड़िया है जिसे हर एक दांव पेच का पता है। वो डिंग फैंग फैंग से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता हमें उसमें वक्त बर्बाद करना चाहिए। हमें अग्रीमेंट चेक करके हमारा काम पूरा करना चाहिए। अगर तुम परफेक्ट अग्रीमेंट भी लिखोगी ना, तब भी वो उस पर साइन नहीं करेगा। मैं नहीं मानती। ठीक है, मत मानो। सुनो, तुम्हें ना इस केस में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारे पास एक भी केस नहीं होगा। फिलहाल तो मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि काओयेरेन फैंग फैंग से सच में प्यार करता है? ये मुझे कैसे पता होगा? ये मेरा काम थोड़ी ना है। भले ही रजिस्ट्रेशन करते समय स्टाफ को सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता हो, फिर चाहे कपिल में से किसी एक को एक रात पहले किसी ने मार मार के भरता बना दिया हो, फिर भी अगर दो लोग चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट को इशू करना ही पड़ता है। किंची, तुम अपना खाना खाओ। किंची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम एकदम अकेली पड़ गई हो? अब वहां तुम्हारा नया राइवल कौन है? लड़ाइयां कितनी हुई उससे और जीत किसकी हुई है? मैं बहुत मिस्टीरियस हूँ, मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। तुम नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। वहां से जाने के पहले मैंने तुम्हें यांग हुआ के हाथों में सौंपा था। तुम्हारे दिमाग को जानते हुए मैं इतना दावे से कह सकती हूँ कि तुम कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के बाहर नहीं जा पाओगी, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। एक मिनट, यांग हुआ के हाथों में सौंपा था मतलब? तुम्हें लगता है कि तुम अकेली सर्वाइव कर लोगी? यांग हुआ के पास बहुत ही तेज दिमाग है। अब ये मत कहना कि तुम उसका इस्तेमाल करने की जगह उसे फूल जैसा सजा कर रखती हो। तो वो सच में तुम्हारी मदद नहीं करता? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बहुत बार लॉ की किताबें भी पढ़ते हुए देखा है। क्या क्या मतलब कि यंग हुआ लॉ की किताबें पढ़ता है? ये क्या है? तुम चाहते हो कि मैं एक लिस्ट बनाऊं? मैं चाहता हूं तुम मुझे लॉ स्टूडेंट्स के कंपलसरी कोर्स के हिसाब से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की किताबों की लिस्ट बना कर दो। तो क्या तुम अपना करियर चेंज करना चाहते हो? मैं ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़कर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ। किंशी, एक बात सच सच बताना, कहीं तुम यांग हुआ को अपने प्रोफेशन से नीचा तो नहीं दिखाते हो? तुमने लॉ पढ़ा है क्या? तुम्हें पता है लॉयर्स कैसे काम करते हैं? अगर नहीं तो तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने उसे कभी नीचा नहीं दिखाया है। तुम खुद को जानती नहीं हो, या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तुम बहुत एम्बिशियस हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा गुण भी वही है। तुम गलत बोल रही हो, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। तुम भी वैसी ही तो हो। अगर तुम्हें किसी मामूली केस को लड़ने के लिए मामूली अमाउंट ऑफर किया जाए, या फिर हाउसवाइफ बनकर काम से हमेशा के लिए दूर रहने को कहा जाए, तो क्या तुम इस बात से सहमत होगी? मुझे बताओ। ऑफ कोर्स मैं होंगी। मेरा तो सबसे बड़ा सपना ही है कि कोई लड़का मेरे लिए घर बना कर दे। अगर मुझे ऐसा कोई मिलता है तो मैं तुरंत नोटिस देकर हमेशा के लिए अपना काम छोड़ सकती हूँ। पर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं तुम्हें अपना रोल मॉडल मानती हूँ। अगर हमें अपने आप पर पूरा भरोसा हो तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इसीलिए मैं काओयेरेन से अग्रीमेंट करवा लूंगी। तुम्हें यकीन है शैतान से खेलने जा रही हो? और अगर यांग हुआ मदद भी कर दे तो शायद तुम इसमें कामयाब भी हो सकती हो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि काओयेरेन बैंग डिंग फांग को सिर्फ पसंद ही करता है? तुम भी इसमें बराबर की भागीदार हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम रात को चैन की नींद कैसे सोती हो। आ जाती है।
मैं काओ यिरेन की आखिर वकील जो हूँ, अपने क्लाइंट्स की राइट्स की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी जो है, तो तुम्हारी इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा और ना ही मुझे गिल्टी फील होगा। आइंदा इस बात को याद रखना, समझी तुम? अच्छे से खा लो। अगर तुम्हें किसी कंपनी की रिपोर्ट के बारे में जानना हो तो सिर्फ यही एक जरिया है। ठीक है, हेलो मैम, क्या आपको इसके बारे में ब्रीफिंग चाहिए? आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। एनुअल फी? लेकिन किस लिए? मिस्टर जाओ, अगर आप प्रीमियम ऑफिस कॉन्डोमिनियम किराए पर लेते हैं तो उसका एनुअल चार्ज लगता है। अगर आप 12 महीनों के पैसे एक साथ देंगे तो आपको कॉन्डोमिनियम 14 महीनों के लिए मिल जाएगा, जिसका परमानेंट चार्ज आसपास के कॉन्डोमिनियम से कम होगा। पर आप तो मंथली पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, पर हमारी कंपनी ने एक नया पैकेज लॉन्च किया है जिसमें 12 महीने की प्रॉपर्टी लोन आपको विदाउट गारंटी मिल जाएगी, उसमें आप मंथली पे कर पाएंगे। तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे रेंट के लिए लोन मिल सकता है क्या? जी हाँ, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल पैकेज है, चाहो तो बता सकती हूँ। मैम क्या सोचा आपने? आपको ब्रीफ चाहिए ना? हाँ। ठीक है, बढ़िया, आइए। ये कॉन्डोमिनियम एक महीने पहले ही बनवाया है, ये देखिए, ये मटेरियल्स भी बहुत वेल नोन ब्रांड के हैं और इको फ्रेंडली भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर पानी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ दरवाजा यहाँ पर है। अगर आपको ये पसंद आ गया है तो फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। खाना तैयार है। खाना क्या? खाता हूँ। वो तुम्हारा केस कैसा चल रहा है? अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दिया है पर शायद वो उस पर साइन नहीं करेगा। मुझे लगता है कि उसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसकी तह तक जाना पड़ेगा। पर तुम आज इतने शांत क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। सूप ले जाता हूं। एक बात सच सच बताना, कहीं तुम यांग हुआ को अपने प्रोफेशन से नीचा तो नहीं दिखाते हो? शैतान से खेलने जा रही हो, और अगर यांग हुआ मदद भी कर दे तो शायद तुम इसमें कामयाब भी हो सकती हो। इससे बुरा तो नहीं लगा होगा? मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो क्या?
नहीं तो सच कह रहे हो? हाँ मेरा हो गया। तुम दोनों के बीच सब क्लियर होना चाहिए, है ना? और फिर भी तुम अभी उसके घर पे रह रहे हो, तो तुम्हें उसे अपना फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। तो मेरी बात समझो, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होने वाला, समझे? मुझे बात करनी है। तुमने तो अभी मना किया था ना?
जी श्याम।